क्या कर रहे हो तुम? इसका जवाब तो तुम दोगी मुझे कि तुम कर क्या रही हो आखिर? हाँ, रात के इस टाइम क्या कर रही थी? उसकी जैकेट पहनकर क्यों खड़ी थी? क्या कर रही थी तुम? तुम मेरी बात सुनोगे अली? तुम सुनोगी अब मेरी। तुम सिर्फ मेरे दिमाग को और मेरी मोहब्बत को जिस तरह आजमा रही हो ना, तुम सुनोगी अब मेरी। किसी भी सूरत अगर मैंने तुम्हें उसके साथ देखा तो अच्छा नहीं होगा। तुम गलत समझ रहे हो, हम तो वहाँ बस खड़े होकर दिन के शूट के बारे में बात कर रहे थे और कुछ नहीं। तुम्हें गलत फहमी हुई है। पता है अगर अलीना वहाँ नहीं आती तो क्या होता? आज मैं उसको ऐसा सबक सिखाता कि पूरी जिंदगी तुम्हारे करीब आने का सोचता भी नहीं। वो आदमी यहाँ से एम्बुलेंस में ही वापस जाता। कितनी अच्छी बात है ना, बहुत ही बहादुरी का काम है। क्या तुम मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहे हो? मैं तुम्हें इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम नहीं सुन रहे। इतनी सी बात को तुम हमेशा बहुत ही बड़ा बना देते हो अली। हर वक्त लड़ना झगड़ना जंगली हो जाते हो। मैं जंगली इंसान हूँ वाकई? ऐसा है मतलब मैं जंगली हूँ तुम्हारी नजर में? हाँ बिल्कुल, वाकई मैं जंगली हूँ तुम्हारी नजर में। जो घंटों सोचता रहता है कि अपनी बीवी को खुश कैसे करूंगा। चुपचाप अपने दिल में सह रहा हूँ मैं, और चुपचाप ये भी सह लिया कि इस होटल में आते ही मेरी नजर तुम पर पड़ी। तुम उस छिछोरे के साथ बैठकर डिनर कर रही थी वहाँ पर। क्यों? और सुनना है, और जिसे जंगली कह रही हो उसने रात के वक्त किस हालत में देखा अपनी बीवी को? उस बेगैरत की जैकेट को तुम अपने कंधे पर डालकर खड़ी हुई थी और बातें कर रही थी उससे। देख लिया, और बिना सोचे समझे बात भी शुरू कर दी। और मेरा क्या जो मैं तुम्हें इतने अरसे से अलीना के साथ बर्दाश्त कर रही हूँ अली? यार एक तो तुम्हारी ये फजूल की बात है, बकवास बंद करो अपनी। ये बिल्कुल भी बकवास नहीं है, तुम इस टॉपिक पर बात करना ही नहीं चाहते हो। ऐसा शौहर होने का क्या फायदा जिसके साथ वक्त ना गुजार सकूं मैं? तुम्हें लगता है मैं मजबूर कर रही हूँ? असल में तुम मजबूर कर रहे हो। नूर तुम्हें हसद क्यों है अलीना से? हाँ मुझे अच्छी तरह पता है कि अब तुम ये बोलोगी कि तुम मेरे और अलीना के यहाँ आने की जिद में कर रही हो। बोलो ऐसा ही है ना? मेरी बात सुनो, तुम जो ये कह रहे हो मुझे करना यही चाहिए था। मैं यहाँ पर अपना काम करने आई हूँ, अलीना से हसद करने नहीं। मेरी समझ से बाहर है, तुम चाहते क्या हो मुझसे? मेरा काम करना भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जला रही हूँ? तो ठीक है, अब ऐसा ही होगा। अब तुम्हें समझ आएगा जलाना क्या होता है। तुम मेरे सबर को हर के जोर मत आजमाना। तुम्हें हमेशा से इसी तरह की बातें करना बहुत पसंद है ना? चलो ठीक है, जाओ, अलीना इंतजार कर रही है, उसी के पास जाओ। मोहब्बत बदुआ बन गई है।